अगर किसी को ना हिप्नोटाइज करने की बात करते हैं वो एक्चुअली वो एक्ट होती क्या वो आर्ट क्या होती है अगर आप बता सकते हो और कैसे हिप्नोटाइज करते हैं कि हमने आज तक मूवीज में वेब सीरीज में देखा है कि कुछ खिलाकर ही हिपनोटाइज किया जा सकता है या फिर उसके कुछ बॉडी पार्ट को लेकर हिप्नोटाइज किया जा सकता है वॉट इज द एक्चुअल सेंस बिहाइंड दैट तो कुछ मिसकनसेप्शन है जैसे अभी बात की आपने तो हिप्नोसिस को लेकर सबसे मेजर मिसकनसेप्शन है कि हिप्नोसिस इज माइंड कंट्रोल ऐसे लगता है ना कि भाई आप किसी के माइंड को कंट्रोल कर सकते हो और उससे अपनी मर्जी का कुछ भी करा सकते हो उसकी मर्जी के बिना कुछ भी करा सकते हो वो चाहे या ना चाहे उसको वो काम करना पड़ेगा तो दैट्स नॉट हिप्नोसिस दैट्स रिलेशनशिप आप किसी को इस लेवल पे कंट्रोल नहीं कर सकते भाई अगर हिप्नोसिस के जरिए आप ऐसा कर सकते तो फिर जुडिशरी की पढ़ाई लोग नहीं कर रहे होते वो सिर्फ हिप्नोसिस सीख रहे होते आर्मी में फिर लोग जवान भर्ती नहीं हो रहे होते देश के लिए जान दाव पे नहीं लगा रहे होते वो हिप्नोसिस सीख रहे होते हिप्नोसिस पावरफुल कैसे है हिप्नोसिस से आप माइंड कंट्रोल नहीं कर सकते माइंड को इन्फ्लुएंस कर सकते हो यानी कि अगर वो कोई नेगेटिव थॉट उसके माइंड में है और वो उसको जेनुअनली बदलना चाहता है आप उसको उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो और वो चीज़ें फील करा सकते हो जो वो अचीव करना चाहता है जैसे हम सबकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं आजकल कर बहुत लगभग सब ने सुना है ये वर्ड और बहुत पॉपुलर बुक है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जोसेफ मर्फी की बुक है बहुत पुरानी है तो सब ने सुना है तो हिप्नोसिस सबसे बढ़िया टूल है आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करने का दूसरा मिसकनसेप्शन है लोगों को लगता है हिप्नोसिस इज स्लीप इंसान सोया हुआ होता है नींद में नहीं ऐसा नहीं है जब आप किसी को हिप्नोटाइज करते हो तो इनफैक्ट वो सोया हुआ नहीं होता है वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड होता है किसी एक पर्टिकुलर चीज पर और हिप्नोटाइज करने से बड़ा स्किल हिप्नोटाइज होना है अगर मैं आपको कोई सजेशन दे रहा हूँ और आप उसको फील कर पा रहे हो तो आपके अंदर वो स्किल है कि आपका माइंड बॉडी कनेक्शन बहुत अच्छा है अब मैं आपको कह रहा हूँ कि फील करो इमेजिन करो एक्सपीरियंस करो कि ये जो पानी है ये मीठा है और आप सच में उसको टेस्ट कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपका जो सेंस है टेस्ट करने का आपका माइंड उसके साथ बहुत बेटर तरीके से कनेक्ट हो पा रहा है और आप उसको चेंज कर पा रहे हो ऐसे ही हम अपने एक्शंस को चेंज कर पाते हैं लाइफ में तो हिप्नोसिस इज अ वंडरफुल साइंस टू टू इन्फ्लुएंस माइंड माइंड नॉट कंट्रोल अच्छा और जैसे हम मूवीज में देखते हैं कि आ, आ, कोई पेंडुलम लटका हुआ है क्लॉक लटकी हो और ऐसे हम हिलाते हैं और बंदा लिटरली हिप्नोटाइज हो जाता है तो यही प्रोसेस होता है या प्रोसेस नहीं, क्या होता वो करने के? फिल्मों में जितना दिखाया जाता है वो बहुत ही ओवर एग्जेजरेटेड है तो ये जो पेंडुलम वाला जो आइडिया यूज़ करते हैं लोग ये पेंडुलम हिप्नोसिस का मैंने बताया कि उसके लिए बहुत फोकस होना पड़ता है सब्जेक्ट को जिसको हिप्नोटाइज होना है तो फोकस होने का जो पहला स्टेप है वो ये है कि आपका जित दिमाग जहाँ भी दाएँ बाएँ है वो एक पॉइंट पे आ जाए इसका रूट हिस्ट्री में भी मिलेगा आपको जब हम योगा करते हैं प्रैक्टिस करते हैं तो एक बहुत फेमस प्रैक्टिस है दैट्स कॉल्ड त्राटक त्राटक मतलब गेजिंग वो कैंडल को जला के उसको आप देखते रहो बहुत सारे लोग ऐसी प्रैक्टिस करते हैं योगा में या फिर ऐसे डॉट बना के कागज पे उसको देखते रहो इससे आपका फोकस इंप्रूव होता है ये बहुत सिंपल प्रैक्टिस है लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि इस इस डाइस को ध्यान से देखो इसको देखते रहो ध्यान से तो आपने नोटिस किया कि जब आप डाइस को देख रहे हो तो आसपास के सारे थॉट गायब हो जाते हैं क्योंकि आपके फोकस को मैंने हुक कर दिया एक पॉइंट पे अब यहां से मैं आपके फोकस को डाइवर्ट कर सकता हूं आगे ले जा सकता हूं तो वो जो चीज़ है पेंडुलम वो आपके फोकस को एक पॉइंट पे हुक करने का एक ज़रिया है वो पेंडुलम भी हो सकता है पेन भी हो सकता है लाइट भी हो सकती है मेरा हाथ भी हो सकता है मेरी आंख भी हो सकती है उसको हम बोलते हैं आई फिक्सेशन तो हिप्नोसिस स्टार्ट करने के लिए जनरली आई फिक्सेशन सबसे पहला स्टेप होता है और और हिप्नोसिस के यूजेस क्या क्या होते हैं भाई क्या मतलब जैसे कहते हैं कि आप जैसे आप ही बता रहे थे कि कुछ भी कर सकते हो आप ऐसा मिथ है तो कुछ भी तो नहीं कर सकते लेकिन किस हद तक हम उसे यूज़ कर सकते हैं हम लोग हर रोज़ हजारों बार हिप्नोटाइज होते हैं जैसे कि आप लोग आज जो कुछ भी कर रहे हो उसके लिए आपने अपने आप को मेंटली रोज रिहर्स किया है और हर बार आप बेटर होते जा रहे हो कि नेक्स्ट पॉडकास्ट में ये करेंगे उसके साथ ये करते हैं इसमें ये हुआ है नेक्स्ट में वो एक मेंटल इमेजरी आप क्रिएट कर रहे हो और वो जो थॉट जब पक्का हो जाएगा तो यू विल फाइंड योर सेल्फ डूइंग इट इन फ्यूचर जिसको लोग मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं दैट इज नथिंग बट हिप्नोसिस दूसरा आप गाड़ी चलाते हो पहले दिन जब गाड़ी चलाना शुरू किया था तो कितनी चीज़ें याद रखनी पड़ती थी स्टीयरिंग कैसे चलेगा इंडिकेटर देना है गियर नीचे करना है ऊपर करना है क्लच दबाना है ब्रेकर आ गया ये सारी चीज़ें आज जब आप गाड़ी चलाते हो ऐसा लगता है ऑटो पायलट मोड पर गाड़ी चल रही है दैट इज़ हिप्नोसिस आप गाना सुनते हो पहला पहला प्यार याद आ जाता है अरिजीत सिंह को सुन के और सडनली यू फाइंड योर सेल्फ लॉस्ड इन योर कॉलेज डेज योर ओल्ड मेमोरीज ना सिर्फ वो आपको उसके इमोशन भी फील होते हैं दैट इज़ हिप्नोसिस हिप्नोसिस का मतलब है जब आप इतने ज्यादा फोकस्ड हो जाते हो किसी एक थॉट पे, कि आप उसको फील करने लगो क्योंकि इपनोसिस आपको ये पावर देता है कि आप जब किसी थॉट को फील कर सकते हो तो आपके अंदर चेंजेस भी ला सकता है तो आपके कोई भी स्ट्रेस डिप्रेशन एनजाइटी, एंगर इश्यूज इमोशनल इंबैलेंसिंग, ये सारे इश्यूज को आप सॉल्व कर सकते हो इपनोसिस से आपको कोई चीज छोड़नी है कोई आदत छोड़नी है कोई कहता है मैं, मैं मुझे चाय के बिना सुबह चाय चाहिए चाहिए कोई कहता है मुझे स्मोकिंग छोड़नी है कोई कहता है मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है ये सारी चीज़ों को आप इजीली छोड़ सकते हो अपनोसिस से आपको कोई चीज़ डेवलप करनी है कॉन्फिडेंस चाहिए पब्लिक स्पीकिंग का कॉन्फिडेंस चाहिए एग्जाम को लेकर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर आपको फियर है इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाता है पास्ट पेनफुल मेमोरीज हैं कोई पुराना ट्रामा बार बार याद आता है ये सब चीज़ें आप अपनोसिस से कर सकते हो और बहुत इफ़ेक्टिवली और इजीली कर सकता आपके कोई क्लाइंट एक्सपीरियंस जानते हैं कैसे लोग आपको अप्रोच करते हैं क्या क्या बात होती है कुछ मैजिकल एक्सपीरियंस आपके हाँ मैं आपको एक दो तीन ऐसी केस स्टडीज़ बताता हूँ जिसमें से एक मेरी हमेशा से फेवरेट है तो मैं उस टाइम सोनीपत में प्रैक्टिस करता था एक आयुर्वेदिक क्लिनिक में तो वहाँ पर जो डॉक्टर थे उन्होंने एक कपल को रिकमेंड किया वो लोग मेरे पास आए तो प्रॉब्लम ये थी आ, उनका इशू ये था वो जो लेडी थी वो जब भी कंसीव करती थी उसका मिस हो जाता था और दोनों हस्बैंड वाइफ पूरी तरह से हेल्दी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं सारे मेडिकल टेस्ट परफेक्ट हैं कोई दिक्कत नहीं डॉक्टर ने बोला आप है ना स्ट्रेस लेते हो अब वो जब मेरे पास आए तो क्योंकि उनका तीन बार मिस कैरेज की हिस्ट्री थी तो चौथी बार क्या होगा जब वो कंसीव करेगी तो वो पुराना ट्रॉमा तो हॉन्ट करेगा ही ना तो ना चाहते हुए भी उसकी एनर्जी किस तरह फ्लो करेगी कहीं दोबारा से वैसा ना हो जाए कहीं दोबारा से वैसा ना हो जाए तो पहला तो ये दूसरा जब हमने मैंने उसके साथ काउंसलिंग करना स्टार्ट किया बात करना चालू किया तो उसने कुछ ऐसी बातें बताई मुझे कि मुझे लगता है हम लोग तैयार नहीं हैं अभी वैसे हमारा सब कुछ ठीक है लाइफ में सब ठीक चल रहा है मैं खुद प्रोफेसर हूँ हस्बैंड अच्छा करते हैं हमारा ट्यूशन सेंटर मतलब कोचिंग सेंटर है अच्छा कमाते हैं सब कुछ है पर पता नहीं क्यों मुझे मैं अपने आप को बहुत समझाती हूँ कि हम लोग रेडी हैं प्रिपेयर्ड हैं पर पता नहीं क्यों ऐसा है तो मैंने नोटिस किया कि उसके अंदर ये एक फियर था कि अभी हम सक्सेसफुल नहीं हुए एक पैटर्न था तो मैंने उसके पास्ट हिस्ट्री के बारे में उससे बात की तो एक प्रोसेस होता है हिप्नोसिस में जिसको हम बोलते हैं एज रिग्रेशन जैसे आपने देखा होगा पी पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं एक्चुअल प्रोसेस का नाम है एज रिग्रेशन तो उसमें जैसे ये पूछते हैं अभी आप पांच साल के हो क्या दिख रहा है ओके हाँ। okay. तो मैंने उसको एज रिग्रेस किया और उसने मुझे बताया तो तीन कॉमन क्वेश्चन होते हैं इनसाइड आउटसाइड डे और नाइट अलोन और विद समवन तो उसने मुझे बताया कि मैं घर में हूँ शाम का टाइम है और मैं मेरी मम्मी के साथ हूँ मैं बहुत छोटी दिख रही हूँ पाँच छः साल की और मेरी मम्मी ज़ोर ज़ोर से रोते हुए चिल्लाते हुए घर का काम कर रही है और कह रही है इंसान के पास जब तक बहुत पैसे नहीं ना हो उसको शादी नहीं करनी चाहिए और जब तक शादी कर ले तो बच्चे तो बिल्कुल नहीं करने चाहिए जब तक उसके बाद बहुत पैसे ना हो तो उसकी स्टोरी ये थी कि उसका फादर बहुत एब्यूजिव था और वो तीन चार बहनें थी घर में हमेशा ये पैसे को लेकर झगड़े चलते रहते थे तंगी चलती रहती थी इसीलिए वो सक्सेसफुल तो हुई उसको बहुत सारा पैसा चाहिए क्योंकि उसने अभाव देखा है लेकिन ये जो पैटर्न है कि जब तक बहुत सारा पैसा ना हो इंसान को शादी नहीं करनी चाहिए और शादी कर ले तो बच्चे नहीं करने चाहिए वो माइंड में वो कैसे मैनिफेस्ट हो रहा है आप देखो कि जैसे ही वो कंसीव कर रही है अब शादी तो हो गई स्टेप वन हो गया जो शादी कर ले तो बच्चे नहीं करने चाहिए इफ दिस देन दैट वाला पैटर्न तो उसको मिसकैरिज हो जाता था और ये उसका सबकॉन्शियस माइंड में जो फियर था वो बार बार बॉडी में वो फिनोमेना क्रिएट करता था उस तरीके के चेंजेस उस तरीके के हॉर्मोनल चेंजेस होते थे कि वो हो जाता ये तो इंसान सोच ही ना पाए कौन सा इतना पुराना थॉट चल रहा है मेरे माइंड में और ऐसा ऐसा ऐसे बहुत सारे अलग अलग एक्सपीरियंस सर कई लोग तो इसे वो ले लेंगे कि मेरे पे तो दोष लगा हुआ है और ये सर, हाँ तो... अगर वही मैं बोलने वाला था मेरे माइंड में भी क्वेश्चन आ गया कुछ लोग बोलेंगे जो थोड़ा टेक्निकली जाएंगे और ज्यादा कि इसको कोई नाड़ी दोष है अच्छा इसलिए इसके ग्रह खराब चल रहे हैं इसलिए ये कर लो या वो कर लो आपका थॉट प्रोसेस एकदम अलग है तो आप उसको कैसे देखते हो अगर वो चीज़ कोई बोले कि हो सकता है इसको इसके ग्रह खराब हो हो और इसलिए रहा आप उसको कैसे देखते हो अगेन मेरा ये मानना है मैं उस ये डिबेटेबल बात है मैं उस पर डिबेट नहीं करना चाहूँगा मैं इसके बारे में ज्यादा बताना चाहूँगा मेरा ये मानना है कि आप घर से निकलो और आप घर के बाहर एक हांडी टूटी हुई देखो और आप देखो वहाँ पे ऐसा कुछ हड्डी वड्डी पड़ी है ऊपर इसी घर के बाहर आप निकलो और आप इग्नोर कर दो चलो आप स्ट्रॉन्ग माइंडेड हो आप चार दिन के बाद अगले शनिवार को फिर से वैसा देखो घर के बाहर और आप देखते हो कि अब आप घर से निकले हो और आप थोड़ी दूर गए हो गाड़ी पंचर हो गई है आपका नेक्स्ट थॉट क्या आएगा कि उसी की वजह से हो उसी की वजह से कुछ तो करा दिया है भाई किसी ने जल रहे हैं लोग हमसे किसी ने टोटका कर दिया है ये जो फियर यहां से स्टार्ट हुआ है ये किसी भी लेवल पे जाके मैनिफेस्ट हो सकता है तो उस चीज़ को मैं ऐसे देखता हूँ कि ग्रह नक्षत्र दोष जो भी जिसके भी जैसे भी हैं सबका अपना तरीका है लोगों को ठीक करने का लोगों को समझाने का पर मुझे लगता है कि हर किसी के लिए अगर ग्रह नक्षत्र एक जैसा काम करते हैं तो फिर आप दूसरे देश में चले जाओ हमारे यहाँ पर चिकन पॉक्स किसी को होता है तो हम बोलते हैं माता निकली है, है ना और कमाल की बात यह है कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं माता निकली है तो सात दिन अकेले रहो घर में रहो तड़का नहीं लगाना है नीम के पत्ते के पानी से वो और लोग ठीक हो जाते हैं हमारे यहाँ देखो आप किसी को जॉन्डिस हो जाता है पीलिया कितना लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है लोग झाड़ा लगाते हैं ठीक हो जाते हैं लेकिन आप विदेश में जाके किसी को अरे तेरे को कुछ नहीं यूरोपियन कंट्री में चले जाओ किसी को बिल्कुल अलग कंट्री में वो बोलो तेरे को जॉन्डिस हो गया है ना कोई बात नहीं मैं झाड़ा लगाता हूँ तो ठीक हो जाएगा मैं गारंटी देता हूँ वो ठीक नहीं होगा आपका बिलीफ सिस्टम इतनी कमाल की चीज़ है इसीलिए हो सकता है आपके लिए ये ये पत्थर हो और जिसने जिसकी जान इस पत्थर से बची है उसके लिए ये दुनिया का सबसे चमत्कारी पत्थर हो जैसे आपकी गाड़ी पंचर हुई आप थोड़ी दूर आगे गए आपको एक बाबा जी मिले उन्होंने कहा ये ले सब ठीक हो जाएगा तेरी लाइफ में और आप देखते हो कि भाई आपकी गाड़ी में अपने आप ही हवा भर गई या चलो मैंने माना कि कोई बहुत बड़ी सिचुएशन आने वाली थी और आप बच गए आपको फेथ आएगा यार ये मेरा लकी स्टोन है फिर आपने दो तीन दिन बाद फिर से कोई सिचुएशन फेस किया ये मेरा लकी स्टोन है तो ये सब ग्रह नक्षत्र या जो भी हैं मेरा मानना है ये सब आपके बिलीफ सिस्टम के हिसाब से कंट्रोल एंड मैनिपुलेट होते हैं अच्छा एक बात बताओ आप जैसे अपने थाट्स आप हिपनोसिस से कर सकते हो कंट्रोल एक फोकस कर सकते हो बट ये कैसे पता चल मतलब आप किसी और इंसान को कैसे आ, उसका माइंड पढ़ के उसको उसका इंटरेस्ट डाइवर्ट कर सकते हो कुछ और थिंक करवा सकते हो कि वो वो करने लग जाए ऐसा भी तो होता है हिपनोसिस में तो वो कैसे होता है तो मैंने पहले भी बताया हिप्नोसिस माइंड कंट्रोल नहीं है अगर किसी को मेरे से कोई हेल्प चाहिए और मुझे उसकी कोई हेल्प करनी है तो उसके अंदर विलिंगनेस होना ज़रूरी है तो पहली रिक्वायरमेंट ही ये है कि सब्जेक्ट को जो चाहिए उसको क्लियर पता हो और उसको वो सच में चाहिए हो तो आएगा तो मेरा काम है फिर उसके दिमाग में अलग अलग तरीक़ों से उस थॉट को इतना लाइवली बनाना कि वो उसको रेगुलर बेसिस पे फील कर पाए जैसे हम किसी को मोटिवेट करते हैं मोटिवेशन लोग कहते हैं मैंने मोटिवेशनल सेमिनार बहुत अटेंड किए पर तीन चार दिन काम करता है उसके बाद नहीं करता कई बार हम कोई ऐसी देशभक्ति की फिल्म देख लेते हैं हम सोचते हैं अब देश के लिए कुछ करना है अब फौजी बनना है अब फौजी बनना है, फौजी बनना है। अगर फौजी नहीं बन सकते तो मैं अपने लेवल पर कुछ ऐसा करूंगा कि देश के लिए मैं कुछ करूंगा चार दिन के बाद हम देखते हैं सुबह उठा ही नहीं जा रहा खुद के लिए तो कुछ किया नहीं जा रहा देश के लिए क्या करेंगे वो जो मोटिवेशन है ना वो ऊपरी लेवल पे काम करता है क्योंकि वो आपको लॉजिक्स को जस्टिफाई करता है आपका माइंड आपके लॉजिक से बात तो सही है यार ये करना चाहिए देश के लिए इमोशंस तक नहीं पहुंचता है लेकिन जैसे ही वो बात इमोशन तक पहुंच जाए मैं कह रहा हूं लोग एक दूसरे के लिए गोली खा लेते हैं एक दूसरे के लिए जान दाव पे लगा देते हैं किस वजह से इमोशन की वजह से उनको कोई मोटिवेशनल सेमिनार नहीं अटेंड करना पड़ता एक दूसरे के लिए जान दाव पे लगाने के लिए राइट ऐसे ही फौजी लोग हमारे देश के लिए जान दाव पे लगाते हैं सोचो किस लेवल का उनके अंदर मेंटल प्रिपरेशन है तो हिप्नोसिस के जरिए हम उस लेवल का इमोशन क्रिएट करते हैं कि सब्जेक्ट को खुद से फील होता है अपने आप उसके अंदर वो विल आते हैं डिजायर आते हैं कि मुझे करना है तो आप ऐसी मोटिवेशन दे सकते हो कि भाई बंदे का जिम जाने की मोटिवेशन उसमें है ही बहुत कर, बहुत करते हैं ऐसा अगर उसको करानी है अगर उसको चाहिए तो उसका माइंड प्रोग्राम किया वेट लॉस के लिए हिप्नोसिस किया जा सकता है ऐसा नहीं है कि मैं उसको बोलूँगा आज से तुम पतले हो गए नहीं ऑब्स्टेकल्स क्या, क्या क्या है मैं उसको हेल्दी डाइट के लिए प्रोग्राम कर सकता हूँ हिप्नोसिस से आप वेट लॉस प्रोसेस को तेज कर सकते हो आपकी बॉडी को प्रोग्राम करके आपके मन को ये मैसेजेस देके जैसे लोग अफर्मेशन करते हैं और आप देखोगे कि लोग दावा करते हैं कि भाई मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अफर्मेशन से कैंसर रिवर्स कर दिया ऐसे बहुत सारे हजारों वीडियोज़ मिलेंगे आपको इंटरव्यूज मिलेंगे ये इस बात का एग्जाम्पल है इस बात का लाइफ प्रूफ है कि आप अगर अपने माइंड में सही मैसेजेस सही तरीके से फीड करते हो तो आपकी बॉडी बहुत कैपेबल है बहुत सारी चीज़ों को करने के तो जिम जाना तो फिर भी एक एक्शन है सर और क्या क्या रियल लाइफ प्रॉब्लम्स लेकर लोग आपके पास आते हैं जैसे आपने बताया रियल लाइफ एग्जांपल वाला और क्या क्या जैसे कोई कुछ चीज़ गुम जाती है कोई हाँ आते हैं लोगों को लगता है कि आ, मैं उनका माइंड प्रोग्राम करके खोई हुई चीज़ उनको उनसे ढूंढ या मेरे पास कोई चमत्कारी शक्ति है लेकिन मैं आपको कमाल की बात देता हूँ हमने कुछ सेशंस में ऐसा भी किया है कि किसी को प्रोग्राम किया और उसको बोला कि तुम्हारी जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं तुम्हारा जो विजन का एक्सपेंशन है वो बढ़ रहा है और इस वक्त तुम अपने घर पर हो और मुझे अपने घर पे देख के ये बताओ कि तुम्हारी घर में कौन कौन है और कौन किस कमरे में है कौन किस जगह पे है और 90 परसेंट इन्फॉर्मेशन सच होती है ये उसी टाइम बैठे बैठे हाँ यहाँ बैठे बैठे लोग उस ट्रांस स्टेट में लेकिन होता कुछ ही सब्जेक्ट के साथ है क्योंकि मैंने बताया ना हिप्नोटाइज करने से ज़्यादा हिप्नोटाइज होना एक स्किल है जब आप ट्रांसेंड कर योगा मेडिटेशन ये सब चीज़ें किस बारे में बात करती हैं कि आप इस शरीर से बाहर निकल के और दूसरी दुनिया में चले जाते हो जब जब आप हायर मेडिटेशन में जाते हो तो वो दूसरी दुनिया कोई अलग दुनिया नहीं है इट्स अ डिफ़रेंट रियलम बेसिकली मैं अगर एक एंड्रॉयड यूज़र हूँ और आप एक आईफोन यूज़र हो और मैं आपको एक ऐसी फाइल भेजता हूँ या आप मुझे एक ऐसी फ़ाइल भेजते हो जिसको मेरा फ़ोन प्रोसेस नहीं कर सकता तो मेरा ये कहना कि ये तो कुछ होता ही नहीं है ये गलत होगा मैं प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ उस चीज़ को मेरा फ़ोन कैपेबल नहीं है सिमिलरली हिप्नोसिस से हर कोई सेम चीज़ फ़ील नहीं कर पाएगा लेकिन कोई अगर फील कर पा रहा है तो ये उसकी स्किल है तो कोई भी चीज़ ढूंढना इसके लिए एक दो सेशन दो तो तीन बार हमने अलग अलग सेशन किए हैं जिसमें हम ये पूछते हैं कि वो इंसान कहाँ है अपने मन में सोचो उसके बारे में फ़ील करो महसूस करो और देखो तुम उसके सामने हो और आसपास क्या दिखाई दे रहा है और जनरली ऐसा कब करते हैं जब मान लो बच्चा गुम हो गया है या मदर को ऐसा कराना है सेशन तो क्योंकि मदर बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होती है बच्चे से आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि आप अगर घर से बाहर हो और आप पूरे दिन से भूखे हो शाम को अचानक से मम्मी रैंडमली कॉल करके गई भाई कुछ खा ले यार तू पूरे दिन से ऐसे ही घूम रहा है ये बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा या आप यहाँ हो और आपको सडनली रात को जागते हो और आपको अनइीनेस फील होती है नेक्स्ट डे पता लगता है घर पे कुछ ऐसा हो गया था तो क्या है ये हम हम सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं तो हाँ वो गुम हो गई वाली चीज़ मैं ज़्यादा करता नहीं हूँ वो सेशन क्योंकि फिर वो लोग ना उसी चीज़ को सच मान लेते हैं उनको लगता है यही सच है फिर वो 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 वाली चीज़ों में चला जाता है चमत्कार वाली चीज़ों में चला जाता है बट जब मैं नया नया लर्नर था तो मैंने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं ब्रेकअप इशूज के लिए लोग बहुत आते हैं सर वो बंदी भुलवा दो, दो। हाँ बस अब उस या लड़की मुझे उसके पास वापस जाना ही नहीं है या फिर इस वाले इशू के लिए भी आते हैं उसको हिप्नोटाइज कर दो वो फिर से मेरे पास वापस देते हो ऐसे आप हाँ इंसान कभी भूलता कुछ नहीं है लेकिन आपको उसे याद करके कोई फीलिंग नहीं आती और ऐसे भी आते होंगे सर उसका इंस्टाग्राम पासवर्ड निकलवा देना जरा हाँ ये तो ये माइंड रीडिंग जब भी मुझे स्टेज पे माइंड रीडिंग करते हुए है। देखते हैं लोग या स्टेज शोज में जब भी करता हूँ तो एक ना एक ऐसा मिलता है अच्छा सुनो भाई साहब हाँ इनका पासवर्ड बता दोगे एक बार <laughs> सर वैसे आप रिकवर कर सकते हो ऐसे हिप्नोटाइज करके पासवर्ड भी मतलब जान सकते हो हिप्नोटाइज करके हम डीप बरीड इंफॉर्मेशन जो माइंड में है उसको एक्सेस करने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन इसका कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है कि ऐसा हो ही जाता है जैसे पी एल आर लोग पास्ट लाइफ रेग्रेशन थेरेपी को बहुत ज़्यादा बड़ा बोलते हैं वो हिप्नोसिस का पार्ट है कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है कि सच में इंसान अपने पिछले ही जन्म में जाता है लेकिन उसको रिमेडी मिलती है वो ठीक होता है उससे मैं कई बार ऐसे बोलता हूँ कि वहम का इलाज दुनिया में कहीं नहीं है हिप्नोसिस से आप वहम का भी इलाज कर सकते हो और अगर वहम का इलाज करके आपने किसी को ठीक किया तो फिर उसके लिए आप ही चमत्कारी हो अब आपके अपने असूल हैं आप उस चमत्कार को कैसे यूज़ करते हो आपको बाबा बने रहना है बनना है या थेरेपिस्ट बने रहना है